माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्तिशः न दिए जाने से यह सुनिश्चित किए जाने कि दिए गए त्याग पत्र स्वेच्छा से दिए गए हैं और यथार्थ हैं। इस हेतु मेरे द्वारा विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 276 एक खा के अंतर्गत प्रथमतः निम्न 7 सदस्यों श्री हरदीप सिंह डंग, श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, श्री रघुराज सिंह कंसाना, श्री गिरिराज डंडौतिया, श्री मुन्ना लाल गोयल, श्री ओपीएस भदौरिया, श्री राजवर्धन सिंह तत्तीगांव को दिनांक 14/3/2020 तथा तदुपरांत दिनांक 18/3/2020 को अपने त्याग पत्र के संबंध में पुष्टि हेतु मेरे विधानसभा स्थित कक्ष में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था, परंतु 2 अवसर दिए जाने के बाद भी उक्त में से कोई सदस्य उक्त तिथियों में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस संबंध में उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त हुई। इसी प्रकार पृष्ठ 6 पर उल्लेखित निम्न 9 सदस्यों श्री सुरेश धाकड़, श्री रणवीर जाटव, श्री जसवंत जाटव, श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया, श्री जजपाल सिंह जज्जी, श्री कमलेश जाटव, श्री बिसाहूलाल सिंह, श्री एदल सिंह कंसाना, श्री मनोज चौधरी को दिनांक 15/3/2020 तथा तदुपरांत 19/3/2020 यानी आज को अपने त्याग पत्र के संबंध में पुष्टि हेतु मेरे विधानसभा स्थित कक्ष में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया, परंतु 2 अवसर दिए जाने के बाद भी उक्त में से कोई सदस्य उक्त तिथियों में उपस्थित नहीं हुए और ना ही इस संबंध में उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त उल्लेख 16 माननीय सदस्यों को प्राप्त समयावधि बीतने और 2 अवसर उपलब्ध कराए जाने के बाद भी अपने त्याग पत्र की पुष्टि हेतु उपस्थित नहीं हुए, परंतु उनके द्वारा इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कार आदि दिए जाते रहे, इस प्रकार इन सदस्यों का आचरण भी आश्चर्यजनक है। उक्त के साथ संबंधितों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रिट पिटीशन सिविल क्रमांक 439/2020 में निम्नलिखित अनुरोध किया गया, दैट वंस अगेन ऑल द 16 एप्लीकेंट्स हियर इन रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल स्पीकर वाइट देयर लेटर डेटेड 15/3/2020 once again requesting him to accept their resignations, that the applicants wishes to state that they have tendered their resignations out of their own free will and they do not wish to continue as member of Madhya Pradesh Legislative Assembly. The following statement at bar were made by the counsel Shri Maninder Singh representing the 16 MLAs. The group of MLAs have decided that they will not appear before the Honorable Speaker in Bhopal pursuing to their resignation letter. They have nothing to do with the present government. They are ready to face any consequences for their non-appearance, including their disqualification under the X schedule of the Constitution. Even if a whip is issued to be present in the assembly and vote in favor of the government, they will not attend the assembly nor they will vote in favor of the whip. They are presently in Bangalore and have no intention of returning to Bhopal for the trust.